कारण है क्या? इंदौर शहर में कोरोना को लेकर जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ने लगे। अनलॉकडाउन हुआ, मुख्यमंत्री यहाँ आए और प्रशासन ने जो स्टेप लिए उसमें इंदौर शहर को और मध्य प्रदेश को ये कहा कि आपको अब जीना हो तो जी लो और मरना हो तो मर जाओ। सोशल डिस्टेंस अब खुद को रखना है, ये जन जागृति के प्रथम काज के लिए हम लोगों ने एक सांकेतिक माता अहिल्या के चरणों में ये धरना दिया है या मौन एक प्रार्थना की। मैं मानता हूँ कि इंदौर शहर के परिवारजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार से और प्रशासन से कोई आस न रखें। बहुत अच्छा सवाल है। अभी पिछले 25 तारीख से राशन सरकारी वितरण व्यवस्था समाप्त हो गई, अब कहाँ से बंट रहा है, सवाल ये है। और फिर अभी इसके बाद हमें नहीं मिला, आपने जो बोला इसके बाद हमें नहीं मिला। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इंदौर के जनमानस से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कमलनाथ की सरकार शिवराज पाप वाली बताते हैं जो 150 रुपया 150 यूनिट देती थी, और अब जितने आप पत्रकार हैं यहाँ, कैमरामैन हैं या आम जनता है, अब 1500 से ऊपर भी लाते हैं, ये पुण्य का काम। तो आप और हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। ये पापियों का विनाश जो दिखे उसका नाश करो, और साथ साथ चूँकि बिजली के बिल बढ़े हैं पर कोरोना का संकट है, इसलिए हम आंदोलन ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसा करना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सिंह से सीखा कि बिजली के बिल मत भरो, जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे। ये हमने नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें सिखाया, उन्होंने कहा था बिजली के बिल मत भरो। तो मैं भी जनता से आग्रह करता हूँ कि 150 रुपया 150 यूनिट तक बिजली के बिल भरो और ऊपर आए तो मत भरो, ये शिवराज सिंह ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप सबसे इंदौर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह है कि शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात हमें मानना।